जो कहा था वो सही था और जो सुना था आपने वो भी सही था। पैट कमिंस कप्तान बनेंगे, बन चुके हैं कप्तान। अब इतने पैसे खर्च करोगे तो फिर कप्तान तो बनाना ही पड़ेगा। सनराइज हैदराबाद ने सारे घर के बदल डालूंगा वाले सोच के साथ इस सीजन की शुरुआत कर रहे थे। कोच चेंज, कैप्टन चेंज, बोलिंग कोच सब चेंज। अब क्या भाग्य में होगा बदलाव? दैट्स अ बिग क्वेश्चन अंडर पैट कमिंस द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। पर ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी T20 टीम का कप्तान तो नहीं बनाया है, या बना दिया है? नहीं बनाया, राइट? क्यों? Let's talk about that. Devon Conway, वो नहीं होंगे भैया उपलब्ध शुरुआत में, और हो सकता है बेटर पार्ट ऑफ द IPL वो अवेलेबल ना हो। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपन कौन करेगा मेरे यार? Who is going to be the opener? गाड़ी पटरी से उतर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की? चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद XM.com में आप सभी का स्वागत है। अब बताऊंगा आपको XM क्या है, वो थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, पर लेट्स स्टार्ट विद द बिग स्टोरी। बिग इसलिए भी है क्योंकि पैसे इतने मिले। अब अगर आप 20.5 करोड़ रुपए, मतलब इतने सारे पैसे आप लेते हो वो 8 हफ्ते की IPL, 14 मैच की IPL में, तो फिर चर्चा का विषय तो बनता है। दो तीन चीजें थी वैसे पैट कमिंस के जो पक्ष में गई थी। एक तो रिसेंसी बायस है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के विनिंग टीम के कैप्टन है। अरे बाबा देखो क्या कप्तान है। हाँ जी, बहुत अच्छे कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड कप के फाइनल में तो बहुत ही बढ़िया से इंडिया का डाउनफॉल इन्होंने प्लॉट किया था। वेल, उसके बाद वो डैनियल वेटोरी जो है वो कोच बन जाते हैं। अब डैनियल वेटोरी जो है वो पैट कमिंस के घनिष्ठ मित्र हैं, पैट कमिंस के, क्योंकि बहुत पुराना नाता है ऑस्ट्रेलियन टीम हो या फ्रेंचाइज की टीम हो। तो उनके आते ही पैट कमिंस के ऊपर इतने सारे पैसे लगा देना जस्ट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। फ्लैशबैक, क्रिसमस निकल गया पर कार्ड भेजो, न्यू ईयर का कार्ड भेजो, दिवाली कार्ड भेजो, बैंगलोर आप भेजो हैदराबाद, क्योंकि अगर कहीं ये आपके पल्ले पड़ते तो आपका तो हो गया था काम। स्वेयर टू गॉड, उस पिच पे, उस मैदान पे इनकी दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली थी। अब जहां गए हैं वहां पे भी मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ इस वजह से गए हैं कि ये बनने हैं, इन्हें बनाया जाएगा कप्तान। क्योंकि कोचिंग स्टाफ में बदला सडनली, वहां पे आप डैनियल वेटोरी को देखते हैं, वेटोरी का ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन देखते हैं, और फिर आप कहते हैं अरे वाह ये बात तो ठीक है यार। तो अब जब आपने लगाई दी है तो फिर बना दो कप्तान, बना दिया कप्तान। अब इसके लेकिन दो पहलू हैं। अब पहलू ये है कि एडन मार्करम नाम का एक खिलाड़ी है जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जिसने सनराइजर्स की टीम को, सनराइजर्स की फ्रेंचाइज को बहुत फायदा कराया। 2 साल चैंपियन बनाया है सनराइजर ईस्टर्न केप को इन द साउथ अफ्रीका 20, पर यहां पे तो उनको कप्तानी से हटा दिया गया। और 1 साल उन्होंने टोटल कप्तानी की थी, जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी खिचड़ी सी पकी हुई है, ही डिडंट नो कि हो क्या रहा है। क्योंकि कई बार तो उनसे भी सवाल पूछा कि भाई कहाँ है उमरान मलिक, करे यार मुझे नहीं पता, जिसने टीम बनाई है उससे पूछ लो। तो दैट इज वेयर ही वॉज, पर अब उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और साइडलाइन के बाद क्या है ये सुनिए आप, हो सकता है 11वें महीना खेलें, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब अगर पैट कमिंस है तो ट्रेविस हेड तो पक्का खेलेंगे। और उसके बीच में आपके पास हेनरिक क्लासन नाम का गजब खिलाड़ी है, मार्को यानसन भी है, वनिंदु असरंगा भी है। आई मीन दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। अगर आप उनकी ओवरसीज कंटिंजेंट को देखेंगे तो आप कहेंगे भैया किसी को भी खिला लो। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका बंदा में एक मार्क्रम खेले ही ना। पर उसके बाद एक और कहानी है। कहानी ये कि आपने बना तो दिया पैट कमिंस को कप्तान, पर आपने क्या उनके IPL के आंकड़े देखे कभी रिसेंटली? रिसेंटली क्या कर, ध्यान से देखिए, रन्स देते हैं बहुत सारे, ढेर सारे, बैटिंग में उतने रन्स नहीं बनाते हैं। कप्तानी अभी तक तो नहीं की थी, हो सकता है कप्तानी अच्छी करेंगे, पर 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स खेलते हैं, उसमें ना ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं ना ये डेथ में बॉलिंग करते हैं। तो अगर ये सब काम नहीं करने वाले तो फिर 25% ऑफ योर ओवरसीज रिसोर्सेज आप एक ऐसे खिलाड़ी पे खर्च कर रहे हैं जिनका 11 में जगह जो थी वो IPL में तो 100% गारंटीड नहीं थी। और इसी वजह से जहां पे 11 ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं उस टीम के भी कप्तान नहीं है पैट कमिंस, जबकि वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। पर T20 ने फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करने का, नो मिक्सिंग एंड मैचिंग इज व्हाट दे आर थिंकिंग। हैदराबाद इज थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब क्या वहां से जीत जाएंगे? टीम बहुत अच्छी है, अगर ये टीम अच्छा करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली में टीम बहुत बढ़िया थी, टीम बढ़िया है, बट देन लेट्स सी कि वो कहां जाते हैं। डेवन कॉनवे की कहानी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले, और आपको कुछ सवाल भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था ना आपको XM के बारे में बताऊंगा, ये लीजिए सुन लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं तो हम आज बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जिसके साथ आप आराम से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है XM.com। दोस्तों XM पर ट्रेडिंग के लिए सब कुछ है, चाहे आप बिगनर हो या फिर एक्सपर्ट ट्रेडर। और अगर आप मेरी तरह मार्केट में काफी नए हैं तो मैं XM का कॉपी ट्रेडिंग फीचर जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा। कॉपी ट्रेडिंग भाई मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि दूसरे सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं और कौन से एसेट्स के लिए, और उनको कॉपी करके उनकी एक्सपर्टीज से प्रॉफिट कमा सकते हैं।
इंटेलिजेंट है। अब बताओ इससे आसान तरीका क्या हो सकता है ट्रेडिंग शुरू करने का मेरे यार। आप अपना एक्सपर्ट यहां खुद चूज भी कर सकते हैं। यस, यू चूज योर एक्सपर्ट यार। और उसके लिए यहां पर आपको इजी टू फाइंड कैटेगरीज मिलेंगी, जहां से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक्सपर्ट को चूज कर पाएंगे। जैसे भाई मोस्ट पॉपुलर, लो रिस्क एक्सेट्रा। सिर्फ यही नहीं, XM पर एक्सपर्ट्स की सब डिटेल्स अवेलेबल हैं। भाई जैसे कितने और यूजर्स उस एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में वो ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह, भाई जिससे आपको आसानी होगी अपना एक्सपर्ट चूज करने में। विद दैट आपके लिए सब कुछ स्ट्रेटजी मैनेजर करेंगे, लाइक कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब वो लोग देखेंगे, आप बस उनको फॉलो कीजिए। इससे अब आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और जब बात आती है पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की, इसके लिए वंस अगेन XM हमें अपॉर्चुनिटी देता है टू ट्रेड इन 9 एसेट क्लासेस लाइक इंडाइसेस, स्टॉक्स, मेटल्स, फॉरेक्स, और उसमें भी आप 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गोल्ड, करेंसी पेयर्स, करेंसी पेयर्स जैसे कि GBP, JPY, यूरो, USD और बिटकॉइन, CFD और बहुत कुछ। और दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग XM के साथ ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आज ही जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और अपना XM अकाउंट खोल लीजिए। देख लीजिए ध्यान से, एकदम इन्वेस्ट सेंसिबली एंड ऑलवेज बी वेरी वाइज, ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब जरा डेवन कॉनवे की जो खबर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। अब इन्होंने टेस्ट मैच मिस किया, अब चोट लग गई है, चोट के बाद अब उनको सर्जरी करानी पड़ रही है। सर्जरी का मतलब है 8 वीक्स के लिए इज आउट, अब मिनिमम ऑफ 8 वीक्स, यानी कि जो सबसे स्थापित ओपनिंग कॉम्बिनेशन था, जो बहुत कंसिस्टेंट ओपनिंग पेयर था, वो अब इकट्ठे नहीं होगा, एटलीस्ट नॉट एट द स्टार्ट, एंड मेजोरिटी ऑफ द IPL वो नहीं होंगे साथ में, दैट इज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। तो अब डेवन कॉनवे नहीं है तो उनकी जगह क्या क्या विकल्प मौजूद है? मुझे तो अभी भी लगता है कि दिस टीम विल बी फाइन, क्योंकि वो ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके, वो सही कर लेते हैं एंड में आके, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स। अब यहां पर उन्होंने ऑलरेडी इनके बैकअप के रूप में एक रचिन रविंद्रा नाम का गजब खिलाड़ी रख लिया था, जिसका बड़ा बहुत बढ़िया रहा था वर्ल्ड कप, अभी भाई ने टेस्ट में भी रन बनाया, ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हालांकि लेट्स बी फेयर, इनके T20 नंबर अच्छे नहीं है। अब T20 नंबर अच्छे ना होना और CSK के लिए खेलना, ये तो अच्छी बात होती है ना। जिसके भी नंबर T20 में अच्छे नहीं होते, वो धोनी कहते हैं आ जाओ करवा दूंगा, तो वो हो सकता है रचिन रविंद्रा का T20 अवतार जो है वो आपको अभी नजर आए। लेफ्टी ओपनर, लेफ्ट आर्म स्पिन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वाली कहानी इनके पास है, वो इंग्रेडिएंट्स सारे मौजूद हैं, तो फिर मुझे तो लग रहा है यही दोनों ओपन कर लेंगे, यू गॉट रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़। और दूसरा एक और विकल्प इनके पास ये भी हो सकता है कि अगर मन किया तो डैरिल मिचेल को खिला लो, क्योंकि पहले सोच रहे डैरिल मिचेल मोइन अली, डैरिल मिचेल मोइन अली, डैरिल मिचेल को खिला के ओपन करा लो। आई नो ही इज नॉट एन ओपनर, पर T20 क्रिकेट में कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओपनर हो या नहीं हो, ओपन सबको अच्छी लगती है और सब कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सर्कल किसको पसंद नहीं है उड़ा उड़ा के मारना, और ये तो डैरिल मिचेल की खास पहचान भी है। तो विल दे बी वरिड? सी डेवन कॉनवे लास्ट ईयर वो सुपर कंसिस्टेंट, थोड़े से वरिड तो होंगे, क्योंकि चेन्नई की जो परिस्थितियां और जो भारत की जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर किसी विदेशी बल्लेबाज ने बड़े प्यार से बैटिंग की है, स्पिन को बड़े अच्छे से टहलाया है, वो खिलाड़ी ऑफकोर्स डेवन कॉनवे हैं, उनका ना होना थोड़ा सा तो परेशान करेगा। बट इन रचिन रविंद्रा दे हैव राहुल एंड सचिन का अमैलगमेशन, मजाक कर रहा हूं, पर रचिन रविंद्रा इज अ डैम गुड प्लेयर। अब जरा आपके कुछ सवाल ले लेता हूं, सवाल आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है, IPL से रिलेटेड है, इससे पहले ये वाला ले लेता हूं। सक्षम का विद अ डोमिनेटिंग ओपनिंग पेयर एंड अ मैजेस्टिक स्पिन डुओ, क्या ये राजस्थान रॉयल्स ट्रॉफी उठा सकते हैं? ऐसी टीम तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, एक्चुअली इस वजह से मुझे लगता है ये बहुत हाईली कंपेटिटिव IPL होगी। आपके पास बटलर और यशस्वी जायसवाल हो, उसके बाद आपके पास संजू सैमसन हो, ध्रुव जुरेल हो, शिमरन हेटमायर हो, और रियान पराग इज बैटिंग ऑल राइट, रोमन पावल हो, फिर अश्विन चाहल, एडम जैम्पा, ट्रेंट बोल्ट, ऑफकोर्स सारे ओवरसीज नहीं खेल पाएंगे, बट देर अ गुड टीम, आवेश खान भी उनके पास है, इट इज़ अ वेरी गुड टीम। भैया देखिए, अगर ये टीम इस बार भी अगर ये प्ले ऑफ में क्वालिफाई ना करे तो फिर लानत है यार, इतनी अच्छी टीम लेके क्या करोगे अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे। बट दिस इज अ गुड टीम, इज इट अ चैंपियन साइड, ट्रॉफी उठाने वाली साइड है, उठा सकते हैं, अच्छी टीम है, पर उठाएंगे या नहीं उठाएंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि ये इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार
इन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल हुआ करता था, हम 11 से ही खेलेंगे, तुम रखो अपना 12 प्लेयर अपने पास, हमारे 6 बैटर होंगे, हमारे पास 5 बॉलर होंगे, ना तो हमारे पास छठा गेंदबाज होगा ना ही हमारे पास 7वां बल्लेबाज होगा। ऐसी सोच के साथ खेले थे, अगर वैसे खेलेंगे तो फिर सानू नहीं पता की करेंगे। अच्छा ये एक और आईपीएल रिलेटेड सवाल नहीं है, थोड़े से दो धर्मशाला से रिलेटेड सवाल है, इसमें है कि भाई पांचवें मैच की इंपॉर्टेंस क्या है। सी देयर आर नो डेड रबर्स, अब डेड रबर है ही नहीं क्योंकि परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। पांच मैच की श्रृंखला में हर मैच की जीत जो है 20% आपके पॉइंट्स हैं। अब आप चार मैच जीतोगे तो 80% पॉइंट हैं, आप तीन मैच जीतोगे तो 60% पॉइंट्स हैं। और श्रृंखला जीतने के बावजूद इट डज नॉट गारंटी यू एनीथिंग, तो 100% पॉइंट्स तो अभी नहीं मिल सकते हैं। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट 80% पॉइंट्स इज द सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन अवेलेबल है, तो प्लीज प्ले एंड गेट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बारिश होने के चांसेस बहुत है धर्मशाला में, कह रहे हैं 1 डिग्री टेम्परेचर होगा, यूनिक लो के कपड़े पहनने पड़ेंगे भाई साहब, पहनने पड़ेंगे और थर्मल्स पूरे यहां यहां तक, फ्रॉम मलमल टू थर्मल का सफर जो है होता होने वाला है। एक यही सवाल है, देवदत्त पाटीकर को क्या मौका मिलना चाहिए। खबरें आ रही हैं कि रजत खेलेगा यार, एंड आई कैन प्रॉबली अंडरस्टैंड कि भाई टीम कह रही है खिला दिए हैं 2-3 मैच तो एक और खेल जाओ, ये आपकी फाइनल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यहाँ नहीं भी खिलाएंगे और देवदत्त को खिलाएंगे, उनका एक मैच मान लो भगवान नगर खराब हो गया तो उनको भी जज नहीं कर पाएंगे, और मन में ये भी शायद मलाल रह जाएगा कि रजत को हमने पूरे चांस नहीं दिए। आई एम जस्ट थिंकिंग, पर अगर रजत पाटीदार यहाँ खेलते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज, ड्रॉप हो जाएंगे तो स्टिल आई वोंट बी सरप्राइज। तो ये बिल्कुल टीम का एक जजमेंट कॉल है जिसके लिए आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जिसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते, भाई करने का मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, यू कांट हेल्प इट एक्चुअली। ये एक और लास्ट सवाल ले रहा हूँ मैं, ये कौन है भाई, देव नाम लग रहा है मुझे वैसे इनका, देव अल आवास ऐसे करके कुछ है। दो बाउंसर्स के रूल का इंपैक्ट क्या होगा, ये दो बाउंसर्स के रूल का इंपैक्ट ये होगा कि फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा कद बढ़ जाएगा, अब आप बाउंसर्स डाल सकते हैं, डेथ में भी आपके पास दो विकल्प रहेंगे, सिर्फ यॉर्कर नहीं करनी, स्लोअर बाउंसर के साथ एक नॉर्मल बाउंसर भी रहेगी। कई बार क्या होता है कि पहले मतलब ओवर की पहली 2-3 गेंदों में अगर एक बाउंसर निकल गया, वो ऑलरेडी अंपायर ने कॉल कर दिया कि वन फॉर दी ओवर, तो फिर बैटर ना फ्रंट फुट पे चलना शुरू कर देता है। लेकिन अब क्या है कि दो बाउंसर है तो जब तक दो खत्म नहीं होंगी तो ऐसे फ्रंट फुट की तरफ कमिट नहीं होगा, सो इट जस्ट एड्स अ बिट मोर टीथ टू द फास्टर बोलर्स, ये थोड़ा सा जरूर फर्क आएगा। पर स्पिनर्स का इस पर कोई लाभ नहीं है, तो स्पिनर्स बोल रहे हैं भाई हम भी तो बोलर हैं, हमारे लिए भी कुछ बना दो यार रूल, सारे रूल आप फास्ट बोलर्स के पक्ष में बनाते हो या बल्लेबाजों के पक्ष में बनाते हो, हम स्पिनर्स क्या अच्छा नहीं कर रहे। स्पिनर्स की बात की तो कल का वीडियो देखना कि कौन से स्पिनर्स हैं जो किस टीम के स्पिनर्स हैं दैट कैन एक्चुअली मेक यू विन, या फिर कहीं किस टीम के स्पिनर्स नंबर वन हैं इन दी आईपीएल। उसमें दो मेरे से गलतियां हुई थी, एक मैंने मोहम्मद नबी का नाम नहीं लिया था और मुजीब रहमान का नाम नहीं लिया था, वन इज प्लेइंग फॉर मुंबई दूसरे कोलकाता की टीम में और दूसरा वो साई किशोर है, साई सुदर्शन नहीं है, फॉर गुजरात टाइटंस, माय फॉल्ट। कल आपका ये भी एक फीडबैक था 2 दिन से कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है, ये मेरी एडिटर की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, कल मैंने बोला भी था, एडिटर ने मेरी बात ही नहीं सुनी, सुनता नहीं है कोई यार, ये आदत हो गई है मुझे लग रहा है कि ये सुनते नहीं है कि सुनो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक के प्रति लोगों का रोष देखो, तो कह रहे हैं रोष है लोगों में, कह रहे हैं बस करो आक्रोश है अब तो प्लीज़ आज ध्यान रख लीजिएगा, ये मैं एडिटर के लिए कह रहा हूँ और आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाह रहा हूँ कि अब की नहीं होगा। पढ़ते हैं हम आपके सारे कमेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन भी हमने वहीं से लिए हैं। एडिटर साहब को मैं 1 घंटे की ड्यूटी लगाऊंगी, रोज कमेंट पढ़ो और उसके अंदर जब जब आए ना बैकग्राउंड म्यूजिक खराब है तो फिर उसको ठीक करो प्लीज़ ना जी। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, XM का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज़ डू चेक इट आउट, और अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ऑलवेज इन्वेस्ट सेंसिबली एंड वाइजली।